प्रत्येक वर्ष अनंत चतुर्दशी की अगली सुबह इंदौर वासियों को यह देखकर धक्का लगता है कि जिन गणेश मूर्तियों को उन्होंने विधि विधान से पूजा उनका विसर्जन बहुत अपमानजनक ढंग से हुआ। नगर निगम कर्मचारी मूर्ति डंपर से भरकर पानी में उड़ेल देते, इससे वे खंडित हो जाती। किंतु इस बार इंदौर में बड़ा बदलाव किया है, अब की बार हर मूर्ति को सम्मान से विसर्जित किया। कन्वेयर बेल्ट, पोकलेन, वीड हार्वेस्टर जैसी मशीनों का उपयोग किया गया। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर गणेश जी के विसर्जन कार्यक्रम की इंदौर ने नई शुरुआत की है। सहयोग के लिए इंदौर की जनता को धन्यवाद। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से विशेष उपाय किए गए। शहर से 7 सम्मान मूर्तियां एकत्रित की और 125 ट्रक में सम्मान पूर्वक जवाहर टेकरी ले जाया गया। महापौर व निगम परिषद सदस्यों ने वाहर टेकरी को विसर्जन से पहले भी मूर्तियों को पूजन किया। बैंड, ढोल, बाजे और उत्सवी माहौल रहा। विसर्जन के लिए 5 पोकलेन पर हाइड्रोलिक सिस्टम वाला प्लेटफॉर्म लगाया। मूर्तियों को उस पर रख के पूरे सम्मान से कुंड पर विसर्जित किया। तालाबों में जल कुंभी की सफाई करने वाली वीड हार्वेस्टर मशीन भी विसर्जन में उपयोग की गई। खदानों व एयरपोर्ट पर उपयोग आने वाले कन्वेयर बेल्ट पर एक एक कर मूर्तियों को रखा और कुंड में सम्मान के साथ विसर्जित किया। सभी तालाबों पर निगम की टीम तैनात रही ताकि विसर्जन के अपमान न हो। इंदौर में हाइड्रोलिक कंपैक्टर की मदद से तालाब में गणेश मूर्तियां का विसर्जन किया जा रहा है। इस पर नगर निगम के वर्कशॉप टीम ने जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया है। इसमें गणेश मूर्तियां रख सीधे तालाब में विसर्जित किया जा रहा है। पिछले साल निगम के कर्मचारियों पर आरोप लगा था कि वे मूर्तियों को गाड़ियों से उठाकर बेतरतीब तरीके से तालाब में फेंक रहे हैं।